नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सिरोही आपका स्वागत करता हूं और परमात्मा से आपकी खैरियत की दुआ करता हूं। आज हम आपको जो है एलोवेरा के बारे में बताएंगे, मैडम बताएंगी, आप जरा उसको देख सुनना, उसके फ़ायदे कितने फ़ायदे होते हैं एलोवेरा के। नमस्कार बहनों भाई, आज एलोवेरा के बारे में बताऊंगी कि ये जो एलोवेरा है इसको कितने नामों से पुकारा जाता है, जैसे ग्वारपाठा, एलोवेरा, एलोवेरा इंग्लिश में कहते हैं रोमन में भी, और बाकी हम गांव में इसको वैसे अपनी भाषा में घृत कुमारी के नाम से भी जानते हैं, और कपिला, बहुत सारे नाम हैं संस्कृत में कपिला। तो असल में वजह ये है, इसको घृत कुमारी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो गुण हैं वो घी के समान हैं। घी के तरह से, जैसे घी बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए, वसा एक आवश्यक तत्व है भोजन का, इसी प्रकार से ये जो घृत कुमारी है ये भी उतना ही अमृत के समान काम करती है हमारे शरीर के लिए। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, और इसमें जो है इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, नुकसान हैं पर बहुत ही नाम को, वो भी इस ऐसे हैं कि हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे अब हम एलोवेरा को काटते हैं, जैसे मैंने काट के रख लिया, तो इसमें से क्या है कि एक ही पीला पदार्थ निकलता है, ये इसका निकलना बहुत ज़रूरी होता है, ये ऐसे टपक टपक के गिरता रहता है, तो इस क्योंकि ये एलर्जी कर देता है, ये नुकसान करता है नहीं, तो इसलिए काट के हमें 2-3 घंटा पहले इसको रख दें तो इसका ये निकल जाएगा पीला पदार्थ, और उसके बाद जो है हम इसको धो के साइड में जो ये इसमें कांटे हैं तो इन कांटों को भी हम ऐसे काट के धो के और कांटों को हटा के इसको छील के इसका अंदर का जो पल्प है उसको इस्तेमाल करेंगे। अभी ये मैंने थोड़ी देर पहले ही काटा था, अभी इसका पीला हिस्सा भी निकल रहा है, लेकिन इस तरह से कांटे हम जो हैं इसके हटा देंगे, इस तरह से ये कांटे हट गए, दोनों साइड से इसी तरह कांटे हटा के इसकी फिर ये पल्प जो है निकालने के लिए हम इसे ऊपर से इसके दूसरी साइड के हिस्से से, अंदर की साइड नहीं, अंदर थोड़ा गहरा होता है, तो इधर से हम ऊपर की साइड से छीलेंगे तो ये आराम से छिल जाएगा, और ये बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सा हमारे पास जेल हो जाएगा। अभी मैं इसको निकाल के दिखाऊंगी, ये ट्रांसपेरेंट जेल होता है, ये देखिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट जेल होता है, बहुत ही अच्छा। इसी का हम इस्तेमाल करते हैं, इसके छिलके जो हैं इसका भी हम इस्तेमाल नहीं करते, बस इसके इस पल्प का ही हम इस्तेमाल करते हैं, और इसको भी कैसे करते हैं कि आप इसके पल्प को जो है अपने बालों में लगा लीजिए या पीस के इसको जो है लिक्विड, नहीं तो थोड़ा सा ये इस तरह का लिक्विड होता है कि ये चिपक जाता है, इधर से उधर हाथ से फिसल जाता है, जैसे अभी फिसला मेरे हाथ से, तो हम इसको अगर मिक्सी से पीस के इस पल्प को बालों पे लगाएं, या 2 ढक्कन इसके पानी में डाल के गर्म पानी में सुबह के वक्त बिना कुछ खाए सुबह उठ के गर्म पानी के साथ 2 ढक्कन इसके पानी में ले लें, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद, हमारे जितने भी जोड़ों के दर्द हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। एक्चुअली क्यों ख़त्म होते हैं, जैसे मैंने कहा कि इसका नाम है घृत कुमारी, भी इसको कहते हैं घी के समान, ये चिकनाई देता है बॉडी को, तो हमारे जो घुटने हैं ये जोड़ हैं इनमें जो इनके अंदर का जो चिकनाहट जब ख़त्म होने लगती है तो ये चीज़ उसको इसकी भरपाई करती है, और इससे हमारे जॉइंट्स के जो पेन है वो ख़त्म हो जाता है। आप किसी को भी जॉइंट पेन है वो इसको 1 हफ्ता भी लगातार लेगा तो 1 हफ्ते में उसके जॉइंट का पेन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हाँ इसको लेना हमें लगातार होता है। हम लोग इसको ज़्यादातर सर्दी में यूज़ करते हैं जब आंवला आ जाता है, क्यों, आंवला और ये मिलके दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, तो जैसे आंवला ठंडा है इसकी भी शीत प्रकृति है, लेकिन फिर भी ये कई बार एलर्जी करता है या खुजली कर देता है,
लेकिन आंवले के साथ मिलके अगर हम इसको मिला के लेते हैं तो फिर है हमें फ़ायदा बहुत करता है, क्योंकि उसमें जो विटामिन ए सी ये सब उसके भी गुण इसमें आ जाते हैं, और इसका जो गुण है जैसे अमीनो एसिड है, बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें, प्रोटीन बहुत होता है इसके अंदर, तो वो जो चीज़ है जो हमारे शरीर का बहुत आवश्यक तत्व है, हमारे तंतुओं का टूट फूट को पूरा करता है, तो इसमें अमीनो एसिड भरपूर मात्रा में होता है, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इस तरह से ये अगर हम डेली लेते हैं तो इससे हमारे स्किन पे भी ग्लो बढ़ता है और जॉइंट पेन ख़त्म होता है, और हमारे जो बाल हैं क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है तो बालों को भी बहुत सुंदर बना देता है, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। और मेरे यहाँ तो ये शुरू से ही, जब से मैंने होश संभाला, मेरी दादी इसका हलवा बनाया करती थी मेरे बाबा के लिए, तो वो ऐसे ही इसका पल्प निकाल के और उसको घी में भूनती थी, थोड़ा सा बेसन डाल के और थोड़ा मीठा डाल के, इस तरह से दादी के बाद जो है ना, मुझे नहीं पता कि ये कैसे बनता है, पर मुझे इसका स्वाद पता है कि हाँ कैसे बनता है, स्वाद बहुत लगता था। मैं तो कढ़ाई चाटने को ही मिलती थी उस टाइम, पर मुझे बहुत स्वाद लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मुझे स्वाद अभी भी याद है। पर हाँ, मैंने फिर अपनी मदर से पूछा कि दादी हलवा बनाती कैसे थी इसका, मुझे कुछ कुछ याद है कि ये इसके पल्प को वो घी में भूनती थी, थोड़ा बेसन मिलाती थी, कहती वो एक टायरसम वर्क था, इस तरह से कर लेती थी मैं, लेकिन इसका इजी मेथड ये है कि आप जो है ना हलवा बनाते हो तो घी में जैसे सूजी को, बेसन जो भी जिसका भी बनाना है उसे भून लो, इसके पल्प को निकाल के, जैसे मान लो 5 मेंबर हैं घर में तो दो दो ढक्कन के हिसाब से पर हेड, आप इसमें 10 ढक्कन के जितना जो है इसका पल्प निकाल लो और उसको पीस लो, फिर उसको जो चाशनी बनाते हैं उस चाशनी में डाल के और हलवे में डाल दो, बहुत बढ़िया, ना इसको भूनना पड़ता ज़्यादा ना कुछ, और बहुत स्वाद हलवा बनता है, इसकी कड़वाहट भी उसमें महसूस नहीं होती। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, इतनी फ़ायदेमंद कि सर्दियों में अगर आप लेंगे इसे तो आपको ज्वाइंट पेन, बॉडी की किसी भी तरह की दिक्कतें वो ख़त्म होगी, बालों में एक अलग ही चमक आएगी, चेहरे पर एक अलग चमक आएगी, स्किन को भी बहुत अच्छा लगता है। पर इसमें एक बात है कि हम इसे अगर अकेला लेते हैं तो कई बार मुझे तो इससे खुजली हो जाती है, अगर मैं इसलिए जब आंवला आना शुरू हो जाता है पर्याप्त मात्रा में, बहुत महंगा गर्मियों में तो होता है, सर्दियों में जब ठीक इसका वो हो जाता है, जैसे आजकल आ रहा है 30-40 रुपये किलो आ रहा है आंवला, तो हम इसमें 2 आंवला पर हेड के हिसाब से इसका पल्प 2 ढक्कन के हिसाब से निकाल के वो हम सुबह के टाइम ले लेते हैं, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। अब इसके फ़ायदे नहीं, कुछ कुछ थोड़े बहुत नुकसान भी हैं, क्योंकि सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो इसका जो ये पीला हिस्सा है, पीला जो ये टपक रहा है, इसमें से पदार्थ निकल रहा है, हमें इसको पहले काट के 2-3 घंटे पहले काट के इसको रख देना चाहिए, जिससे वो टपक जाए, क्योंकि वो एलर्जी करता है। और फिर इसके पल्प को छिलका हटा कर इस्तेमाल कर लें। फिर दूसरी बात यह है कि 12 साल से छोटे बच्चों को भी इसे नहीं देना चाहिए, अगर ज़रूरी पड़े कभी देना, कोई दिक्कत ऐसी आ जाए तो हमें डॉक्टर की सलाह से इसे देना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार अबॉर्शन का डर होता है। इवन जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं, स्तनपान कराने वाली मदर्स हैं, उनको भी ये नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे कई बार बच्चे को एलर्जी हो सकती है। तो हमें अगर इन सावधानियों को हम बरतेंगे तो ये हमें फिर नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा, उल्टा फ़ायदा करेगा। हाँ, ये भी बात है कि हमें इसको, इसकी तादाद भी ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, जैसे मैंने बताया 2 ढक्कन, इससे ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, क्यों, कई बार ये सीधा हार्ट पे भी उसका असर करता है, इसमें जो एड्रेनलाइन होता है उसका हार्ट पर बुरा असर हो जाता है, हानिकारक असर होता है, इसलिए हमें इसको कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं, 10 ग्राम से कम नहीं लेना चाहिए और 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 2 ढक्कन का मैं बताऊं कि ग्राम के हिसाब से बता देती हूँ कि हमें 10 ग्राम से कम नहीं लेना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए, और 20 ग्राम से ज़्यादा हमें इसकी मात्रा नहीं लेनी चाहिए एक दिन में, क्योंकि उसके अलावा अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तो अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से ये बहुत ही फ़ायदे की चीज़ है, और इतना इतना फ़ायदेमंद है कि मैं तो जो है ना इसको अमृत के समान मानती हूँ, क्योंकि अगर हम जैसे लेते हैं सर्दियों में, 60 की उम्र के बाद दिक्कतें शुरू हो जाती हैं बॉडी में, जॉइंट पेन वगैरह, किसी को आर्थराइटिस की दिक्कत है, तो इसको लेने से उसमें आराम आ जाता है। तो इस तरह से ये वास्तव में ही घृत कुमारी है, घी के समान इसके गुण हैं, घी के समान ही हमें फ़ायदा पहुँचाने वाली है।
तो हमें सर्दियों में इसे ज़रूर लेना चाहिए। और बाज़ार से भी मिलता है इसका रस जैसे पतंजलि का, लेकिन उसमें जो है उसमें केमिकल डालते हैं जिससे कि वो प्रिजर्व रहे, प्रिजर्वेटरी डालते हैं उसमें, तो वो इतना फ़ायदेमंद नहीं होता। अगर हम इसको ताज़ा अपने घर में उगा लें, गमलों में हो जाता आराम से, एक के बाद एक अपने आप ही उगता रहता है जगह जगह। ये रूट निकल जाते हैं ना, ये रूट निकलते रहते, होता रहता अपने आप, ये छोटे छोटे रूट निकल रहे हैं, इन्हीं को उखाड़ के आप दूसरी जगह लगा सकते हो। तो गमले में ये बहुत अच्छे हो जाते हैं और आपको रोज डंडी 3-4 लोगों के लिए काफ़ी होती है इसकी एक डंडी। जैसे ये डंडियाँ हैं, ये इतनी बड़ी एक डंडी घर में 3-4 लोगों को काफ़ी होती है, इतना बहुत होता है, बड़े आराम से इसको हम ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपको ये अच्छा लगा, इसके अलावा और भी कुछ फ़ायदे हों तो आप हमें शेयर कीजिएगा जिससे कि सभी लाभान्वित हों। और इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, नमस्कार।